सिंघाना के बाजार में तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मारकर किया घायल। सिंघाना के बाजार में तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी का कहर देखने को मिली। मेन बाजार में गाड़ी ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी जिससे वह बुजुर्ग घायल हो गया। टक्कर मारने की सूचना पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर नवीन वैष्णव के नेतृत्व में उपचार किया गया। घायल महावीर स्वामी के हाथ और पांव में चोट लगी है। घटना के बाद गाड़ी चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। सिंघाना में पुलिस ने कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ काटे चालान। सोमवार को सिंघाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सिंघाना के मुख्य बाजार सरकारी अस्पताल के पास कोविड-19 नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सिंघाना के मुख्य बाजार पुरानी सब्जी मंडी नई सब्जी मंडी में बगैर मास्क घूमने वाले 10 लोगों के चालान काटे। इस दौरान टीम में मोहन सिंह पृथ्वी सिंह भी मौजूद रहे। सिंघाना में सूरजगढ़ विधायक ने इंटरलॉक का किया लोकार्पण। सिंघाना कस्बे के विधायक कोटे से मुक्ति धाम में लगाए गए इंटरलॉक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सूरजगढ़ चेयरमैन प्रतिनिधि सेवाराम गुप्ता, विनोद जाजरिया, विकास लोटिया, सचिन गुप्ता, मुकेश सैनी, मोहनलाल गुप्ता व अमरनाथ चौधरी मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत अतिथियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर दिनेश जालान, विनोद फिटकीवाला, शिव कुमार चौधरी, बबल चौधरी, नरेश चौधरी, सरवंश गोयल, सत्यवीर दायल हजारी, गुजर सत्यवीर, निकेश गजराज लक्की, निर्मल चौधरी, पवन चौधरी, नरोत्तम जसरापुरिया, संजय जसरापुरिया, मनोज समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।